गया है और क्या सब्जियां, फल, खंजूरे और दीगर अशिया में क्या इजाफा हुआ है? रमजान करीम के इस सस्ते बाजार में सब्जियां, फल, खंजूरे, घी, बेसन, दालें, चावल और दीगर एशिया मामूल के मुताबिक किन दामों में फरोख्त हो रहा है? मुर्गी के गोश्त की कीमत में क्या इजाफा हुआ है? क्या गरीब आवाम सब कुछ बआसानी खरीद सकती है या गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस गई है? नाजरीन, हुकूमत की जानिब से लगाए गए इस सस्ते रमजान बाजार में लोगों को क्या रिलीफ मिल रहा है? आइए हम लोगों से ही जानते हैं कि हुकूमत उन्हें क्या रिलीफ दे रही है। क्या लगता है कि सस्ता बाजार है? जी है, सस्ता बाजार है जी। कोई परेशानी तो पेश नहीं आई? नहीं नहीं नहीं, मुतमईन है। हाँ जी जी जी, रिलीफ तो कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, मुतमईन नहीं है। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ सस्ती मिल रही है। हल्का ये वज़ीर-ए-आला पंजाब का काफ़ी अच्छा इकदाम है कि उन्होंने जो रमज़ान बाज़ार यहाँ पे लगाया, और हमने विज़िट किया है यहाँ पे और देखा है कि काफ़ी कंपेयर करें अगर बाज़ार के और यहाँ पे रेट पे काफ़ी फ़र्क है, और ये लोगों को बड़ा खुशहाली की तरफ बड़ा अच्छा इकदाम किया है। बस कम कीमत में लगाया हुआ है, 5 रुपये ये 10 रुपये का फ़र्क है हर चीज़ में। नहीं नहीं, किसी चीज़ का इतराज़ नहीं। हाँ बहुत अच्छा, नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ यहाँ पे सस्ती है, फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। चीनी में भी नहीं, फ़िलहाल तो हमें नज़र नहीं आई, लेकिन बेहतर ही है, बाहर से बेहतर है। चीनी भी सही रेट पे दे रहे हैं, चीनी मैंने ली है वो 46 रुपये किलो दे रहे हैं, आटे का थैला दे रहे हैं 250 रुपये का, सही है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम जा रहा है। मैंने तो अभी चीनी ली है, हाँ आटा लेना था, चीनी 46 रुपये, बाहर मेरा ख्याल है 53 किलो, यहाँ पे 46 रुपये मिल रही है किलो। परेशानी तो नहीं, कोई भी है? नहीं कोई निराश कोई नहीं है, महंगी मिली है कि सस्ती मिली है? सस्ती मिली है बाहर की निस्बत। बाबा अभी मैं केले का बाहर पूछ के हूँ 150 बता रहे हैं मिनिमम, तो इधर 135 का लगा हुआ है। मैंने अभी आलू और प्याज ले गया हूँ, अभी ये लेने आया तो ये ख़त्म हो गई, उनके पास 2-3 वो चली गई हैं, किधर दो फिर एक मुझे, चलो ठीक है। अच्छा नहीं नहीं ब्रेक नहीं, नहीं, नहीं आ रहे पहले, ठीक है इट्स ओके, इट्स ओके। अभी तक हम लोगों ने चीनी ली है, ये लिए हैं जमशीरी, ये 580 की है, ये बायरी 600 से भाव है। बाकी की नस्बत ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे ऐसी अरेंजमेंट है, बाकी बाज़ारों में ये सब नहीं है। 92 रुपये का पैकेट है, 92 रुपये का। बाहर कितने कह रहे हो? बाहर लिखा है ना। सस्ता है कि महंगा है? नहीं सस्ता है। मैं हूं इस कमेटी को प्रेजेंट कर रहा हूं, शहजाद कुरैशी नाम है मेरा, मैं आरएसएम हूं यहां पर, रीजनल सेल्स मैनेजर हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा पैकेज दिया है कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए। हमने एक तो 1 केजी के साथ हम 1 केजी चीनी फ्री कर रहे हैं, 1 केजी के साथ 1 केजी चीनी हम फ्री कर रहे हैं। उसके अलावा हमने 20 रुपीज़ का स्पेशल डिस्काउंट दिया, यानी कि 70-60 की हम दे रहे हैं, उसके साथ हम 1 केजी चीनी फ्री दे रहे हैं। तो उसके अलावा हम गिफ्ट्स भी साथ दे रहे हैं, जैसे कि कप हैं हमारे पास, वॉल क्लॉक हैं। तो यही हमारी एक्टिविटी है, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस है, हमारी क्वालिटी भी है चाय की। नहीं मुनाफा नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि हम देखें, ये बरकतों का महीना है, इसमें हमें मुनाफा नहीं कमाना, इसमें हमें रिलीफ देना है जितना हम रिलीफ दे सकते हैं, जिसमें रमज़ान पैकेजेस भी। अब हमारे ऑनर जो हैं अलहाज कमर खान साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तो उन्होंने रमज़ान पैकेजेस स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें गरीब लोगों के घरों में राशन तकसीम कर रहे हैं। तो उसमें यहाँ चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं, इस वजह से मैं चीनी लेने आया हूँ और कैचअ वगैरह लेने आया हूँ। वो 6B का स्टॉल लगा हुआ है उधर, तो हाँ रोज़े पूरे रखता हूँ मैं। आपने देखा है यहाँ पर हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये सिर्फ हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारी ड्यूटी पता कितनी है, यहाँ सुबह 8 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी होती है, उसके बाद हम यहाँ पे सफाई भी करवाते हैं सारी, अगले दिन की हम लोग फिर तैयारी करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे आवाम के लिए एसी का इंतज़ाम किया गया है, आवाम के लिए सस्ती सब्जियाँ, सस्ते फल, अनाज, खाने पीने की अशिया, और इसके अलावा आटा, चीनी, चिकन,
अंडे हर चीज़ का वाफर इंतज़ाम है। देखिए मुर्गी की कीमत ये है कि मुर्गी की कीमत जो है ना वो फिक्स होती है, हमारे यहाँ पे 10 रुपये कम है बाज़ार से। ये हमने इसको इंश्योर करना है कि यहाँ पे मुर्गी बाज़ार से 10 रुपये कम बिके वो यहाँ पे 10 रुपये कम बिक रही है। देखो जी लोग तो कहते हैं ना कि भाई चीज़ें और सस्ती हों, वो तो हम भी कहते हैं और सस्ती हों। हमारा काम है कि गवर्नमेंट के रेट पे हमें दरामद कराना है। यहाँ पे जो रेट है वो जो है अपना 10 रुपये कम है बाज़ार से, उस पर हमें दरामद इंशाल्लाह हो रहा है। नहीं, आवाम चाहती है कि और सस्ती हो मुर्गी, और सस्ती होनी चाहिए। आवाम की ये ख्वाहिश है कि मुर्गी ज़्यादा सस्ती हो, तो वो अब दिन भी सस्ती हो रही है। पहले जो है ना 10-20 रुपये रेट रोज़ कम हो रहा है मुर्गी का, तो यहाँ पे 10 रुपये बाज़ार से कम है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो अब दालें हैं, सब्जियाँ हैं, बेसन है, ये जो कॉम्बली के स्टाल हैं, बोतलें हैं, शरबत है, ठीक है, इन चीज़ों में आवाम को कम अज़ कम 30% रियायत है। आटा 10 रुपये किलो बाज़ार से कम है, चीनी 10 रुपये किलो बाज़ार से कम है। अगर आप यहाँ से 5,000 रुपये की शॉपिंग करते हैं ना, तो कम अज़ कम आपको 2,000 की सेविंग होती है। और माहौल आपके सामने अच्छा माहौल है, क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है, रेट बाज़ार से कम है, और बैठने के लिए इंतजाम भी किए हुए हैं। ये इसलिए लगवाया कि आवाम को सहूलत मिले। बाहर गर्मी थी, आपको पता है वहाँ बहुत गर्मी थी, आप भी लास्ट ईयर आई थी वहाँ पे, तो ये आवाम की सहूलत के लिए ये हमारी गवर्नमेंट का लॉर्ड मेयर का फैसला है कि आवाम को सहूलत दी जाए और ये जो है ना इनको एसी में बिठाया जाए। महंगाई ने तो घी, बेसन, दाल, चावल और दीगर अशिया को भी अपनी लपेट में ले लिया है। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अफ्तार में समोसे और पकोड़े कैसे चले गए? मुर्गी के गोश्त की कीमतें जानकर लोगों ने कानों को हाथ लगा लिया। मुनाफाखोर एक बार फिर से सरगर्म नजर आए, जिन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। रमज़ान में कीमतों को इस तक काम दिलाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, लेकिन इस बार भी दावे ही चलेंगे या हकीकत में भी लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा? यहाँ के लोगों का कहना था कि जो चीज़ें रमज़ान से पहले सस्ती कर देनी चाहिए थी, वही माह रमज़ान में महंगी कर दी गई है। कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ मायरा हाशमी, लाहौर 24।